अनमोल, मम्मी को नमस्ते करो, पापा को भी करो, बुआ को नमस्ते करो, नमस्ते। वाह, पहली बार नमस्ते किया, शाबाश। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, टाटा पार्टी की एक नई वीडियो की शुरुआत हो गई है अच्छी से धूप के साथ में। सबसे पहले आप सभी को मेरी वीडियो देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए टाटा पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ में अनमोल, दामिनी, शीतल और हमारा कुकू, और अभी हम जा रहे हैं अपने खेतों में यानी कुरघास के लिए। हमेशा जाते हैं, वो डेली जाते हैं। और अभी आ गए हम अपनी धार में, ये देखिए, और ये है काना। काना उधर बब्बू खड़ी है, उधर डॉली खड़ी है। डॉली काना का गया। काना, वाह, काना की धमाकेदार एंट्री होते हुए। काना काना, हम तेरे पुलिस लेके आए, ठीक है? और ये मोबाइल फटा बड़ो, ये मैं फटा बड़ ये बात दी, बल मेरे पुलिस लेके जाओ। तो डॉली 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 काना को दे पत्थर सार रहा है, कहां सार कहां बड़े बड़े बड़ो। क्या तू गाड़ी गाड़ी खेलनी है? क्या खेलनी तू आज? क्या क्या खोज रहा है? कदर बोल रहा है, ए बड़ा गाड़ी तू उसको बोल, बड़ा हो जाए गाड़ी। ए डाली गाड़ी के हिंदी में बोल, हिंदी में डाली डाली। क्या तुमने डाली बनी सो? आजा आजा, कहा जानी डाली। वाह शाबाश, आजा 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 आजा। तो अनमोल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज आप हमारे साथ में पहली बार घास के लिए जा रहे हो। मैं बहुत बार आ चुका हूँ। बहुत बार कब आया था? मैं बहुत बार आ चुका हूँ नानी के साथ। नानी के साथ आया ना, तो मेरे साथ कैमरे में, तो आज पहली बार आ रहे। हाँ, पहली बार है। हाँ, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी हम कुरघास लाके लाएगा, तू भी लाएगा आज कुरघास? हाँ, के लिए आज हम अनमोल के पास भी देंगे एक बड़ा सा, उसका चुन्नी में बांध के कुरघास। हरी भरी सार 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 पड़ गे गमड़े गवार, फूलू मे फुलार। वाह, सबके सब हंस रहे हैं गाने को देख के, लेकिन मैंने बहुत अच्छा गाया है लगता है। बिल्कुल भी नहीं। और अनमोली बोल रहा बहुत अच्छा सवाल। और जो मसूर की दाल होती है वो गेहूं और जौ की खेती जब करते हैं तभी बोते हैं, और जैसे कुरघास हो रखा है तो इनके बीच में मसूर की दाल भी होती है। क्या बोलते हैं सर? और उसको कच्चा भी खाते हैं ऐसे निकाल के, और थोड़ा थोड़ा करके कच्चा खाते हैं टाइम पास के लिए। लेकिन अभी है नहीं, अगर होगी तो हम जरूर खाएंगे। हम नहीं पे ना किला नहीं पे क्या क्या कहूँ? हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पर गोणी बंदर जो लंगूर है वो नहीं छोड़ते, वो खा जाते हैं उनको, इसलिए साइज से नहीं बो रखी है, लेकिन बोते हैं वैसे बहुत जगह पे। आपको 1% दिखने को मिलेंगे। चलो फॉलो मी, आगे बढ़िए। हमारा कमांडो उधर तैयार हो रहा है, सावा ठाटा बांधिए और फिर कूद जाइए खेत में। सबका सब खेत में कूदो, और जो ये जौ है, जौ और गेहूं की फसल है, इसको पूरा गंद मंद कर दो, पूरा इसको बराबर कर दो। वो नीचे वाले खेत जो हमारे हैं उसका नाम है गैर, गैर का मतलब जो नीचे है, नीचे वाले हिस्से में। और ये ऊपर वाले खेत, इनका नाम क्या है? ग्यारह। ग्यारह का मतलब है जहाँ पे बहुत ही समतल रहता है, यहाँ की थोड़ा जमीन है वो बहुत ही चौड़ाई में है, इसलिए इसका नाम हो गया ग्यारह। और शीतल और दामिनी बोल रहे हैं कि तूने आज चश्मा क्यों ला रखा है? चश्मा मैंने इसलिए ला रखा है क्योंकि इसमें धूप पड़ रही है, सामने से पूरी धूप आ रही है, ये देखिए, और पूरे आंखों में पड़ रही है। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आंख पूरी बंद हो जा रही है, तो इसलिए आज मैंने चश्मा ला रखा है, और इसलिए मैंने चश्मे में आज वीडियो बना रहा हूँ। क्या बोलते हो शीतल? जो एक कुरघास है उसको थोड़ा निकालने की टेक्निक थोड़ा बताइए आप, थोड़ा कैसे कैसे निकाल रहे हो उसको? अच्छा, ऐसा करके मतलब जो गेहूं और जो है उनको ऐसे छाटो करना पड़ता है, छाटो, और फिर उसके बीच में से कुरघास निकालना पड़ता है, ताकि जो गेहूं है वो जड़ से ना उखड़े गेहूं, और खाली हमको कुरघास कुरघास निकालना है, मतलब ये निकालना है। वाह, बहुत खूब। कुरघास जो है वो खाली गेहूं और जौ की फसल जब होती है तभी होता है, यानी कि जो हमारा धान है सट्टी है जो, उसके साथ नहीं होता है। और ये कुरघास बहुत ही चिपचिपा होता है, तो ये बहुत ही, ये नोट करने वाली बात है, उखाड़ते रहिए, मैं भी आता हूँ और थोड़ा बहुत हेल्प मैं भी करूँगा इनकी। मैं अभी तक इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वीडियो कौन बनाएगा, ये लोग क्या करते हैं कभी मुंडी काट देते हैं, कभी आधा निकालते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं है, तो इसलिए पहले मैं थोड़ा वीडियो बनाई मैंने, और अभी मैं कुरघास निकालूंगा। फॉलो मी, कूद जाओ अनमोल, खेत में कूद जाओ। और हाँ, और एक गहरी जानकारी देना तो मैं भूल गया, शीतल थोड़ा मुखड़ी दिखाइए। और जो ऊमी होती है पहाड़ों में, ऊमी ऊमी होती है, और ऊमी बनती है गेहूं की,
जब ये गेहूं है थोड़ा थोड़ा पक जाएंगे, मतलब थोड़ा इनमें बीज आ जाएगा गेहूं का, उसके बाद क्या करेंगे हम इसको काटेंगे और इसको आग में ऐसे झाड़ी झूड़ी इकट्ठा करके आग जलाएंगे और उसमें इसको इसको ऐसे पकड़ के और भूनते हैं आग में, जिसको बोलते हैं ऊमी, और फिर उसको हाथ से मींड के और उसमें नमक में डाल के या फिर वैसे खाते हैं उसको, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर तब तक ये गेहूं हो जाएंगे तो। इन्हीं गेहूं की बनती है ऊमी। ऊमी के लिए गेहूं तब निकालते हैं जब गेहूं थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि उसमें बीज आ जाते हैं, तब निकालते हैं। क्या बोलते शीतल? तो चलिए अब हम भी निकालते हैं खुरगास, और खुरगास निकालते हैं एक साइड से, खेत की एक साइड से, यानी कि बीच में नहीं जाना है खेत के, जैसे मैं जा रहा हूँ अभी, हमको जाना है एक साइड से खेत के और तब निकालेंगे हम खुरघास। खुरघास होता है वैसे, खुरघास बोलते हैं हम लोग। मैं खुरघास निकाल रहा था और वीडियो बनाने के लिए मैंने कैमरा सेट करके रखा था, और हवा आई और मेरा कैमरा नीचे खेत में गिर गया और वो टूट गया है, और अभी देखते हैं कल से वीडियो आती है या नहीं आती है। तो अभी मैंने इतना कुरगास निकाल दिया है और अभी शीतल और दामिनी को देखूंगा वो क्या कर रहे हैं। जब कुरगास या घास निकालते हैं खेत का तो पावड़ों में क्या होता है, जैसे ये खेत किसी का है तो ये एरिया का घास होगा या कुरगास होगा, वो वही निकाल सकते हैं जिनका ये खेत है। ऐसे सिस्टम बना रखे हैं, रूल बना रखे हैं, हम लोग किसी का कुरगास या घास नहीं निकाल सकते हैं, या फिर वो लोग हमारा नहीं निकाल सकते हैं जब तक हम परमिशन ना ले या पूछ ना ले उनसे। तो मैंने कुछ इतना निकाल दिया है, वाह बहुत खूब। और दामिनी यहाँ पे घास निकाल रही है, शाबाश। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हमारी नहर है, और इसमें अभी पानी नहीं आ रहा है क्योंकि जो बदनी खराना बदनी और फणिके की रोड जा रखी है उसका जो बलवा है वो हमारे गदेरे में गिर रखा है बहुत सालों से, और कभी पानी आता है और अभी बहुत सालों से नहीं आ रहा है, तो इस वजह से नहर का हाल कुछ ऐसे हो रखा है। नहर यानी कि गाँव में बोलते हैं बौला, बौलू, रोल तोड़ा बोलो बाबा, रोल तोड़ा बोलो, रोल तोड़ा बोलो बाबा, रोल तोड़ा बोलो। वाह क्या गाना हो गया भाई, चलो थोड़ा साइड दो, टाटा पार्टी को जाने दो, कदना काट दो मन। शीतल कुछ इस तरह से निकाल रहे हैं गेहूं है, उनको इधर उधर करके और 20 रुपया निकालना पड़ता है। इस साइड में बहुत कम हो रखा है क्योंकि कुरगास होने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, और यहाँ पे तो जो हमारे नहर है वो देख सकते हो आप सूख रही है पूरी, तो पानी तो पड़ा नहीं खेतों में तो कुरगास कहाँ से होगा, तो इसलिए कम है, तो इसलिए शीतल अपने सिस्टम से निकाल रही है सारे, और मैंने सारे बारिश पे निर्भर है। हाँ अभी अभी पूरा क्या है, बारिश पे निर्भर है। ये देखिए इसलिए मैंने चश्मा भी पहन रखा है, और इसलिए मैंने कुरगास यहाँ से नहीं निकाला। ये देखिए पूरी धूप ही धूप पड़ रही है कैमरे में। ना काटा तो डालो ना काटा, तू तो डालो ना काटा, ये तो पूर्व ना हो क्या? ना काटा तो डालो ना काटा, तू तो डालो ना काटा, ताई काटे ले तो माटी बागेली, कोड़ी ना पुंगरी ना टोकरी बचेली, आधा तो क्या गाड़ी तो मन करूँ, बस पूर्व के नहीं दामिनी भी ले आई है घास, शाबाश। चले भाई एक आदमी के लिए हो गया कुरगास और घास, और अभी दो आदमी के लिए हो रहा है, एक अनमोल के लिए और एक शीतल के लिए, और टाटा पाड़ी जाएगा कैमरा लेके। वाह लाइए फटाफट लाइए, फॉलो मी, शीतल काम पे ध्यान दीजिए,
उधर छुपी है मत, शीतल बात छुप रही है, सावास पूरा दिखाई दे रहा है। कुकू किधर है हमारा? लाइए 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 और डालिए। और एक आदमी इसको लेके घर जाइए और खाना बनाइए। कोई आदेश आ रहा है कि आप जाइए खाना बनाने, टाटा पहाड़ी को आदेश दे रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और शीतल बहुत ही गुस्सा कर रही है कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं बनाया, आज मैं बनाऊंगी खाना। शीतल थोड़ा मुकरी दिखाइए। अभी यहाँ सब कुरगास निकाल रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो एक आदमी के लिए कुरगास हो चुका है जो की टाटा पहाड़ी ले जाएगा। वाह, क्या जानकारी दी अनमोल आपने, लगे रहो, बोलो बोलो। एगे बसंत मोयार डाई डायू माबी जुमेलो जुमेलो जुमेलो, आगे मुझको नहीं आता है जुमेलो। अभी देखिए टाड़ावाड़ी कितनी मेहनत कर रहे हैं। वाह, एक सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब एक नहीं हजार बनता है। जय महिष्मते। शीतल वहाँ पे भी कुरगास निकाल रही है और थोड़ी देर बाद में आएगी, तब तक मैं अनमोल और दामिनी जाएंगे घर खाना बनाने के लिए। तो काना आप कुछ बोलेंगे? वाह, काना क्या हीरो बन रखा है, शाबाश। काना थोड़ा बोलिए, कुछ बोलिए, बोल दो, कुछ बोल दो। प्याज सब्जी बना देना आज, आज दिनों खाना बना, दाव भात भी बना तुन, दाव भात भी तेरे बनाई, मैं ते आप पर दादी ते बने दाव भात है, क्या बना तुन बने, तेरे मम्मी बने, मम्मी बने, तुन के बना था, भात बने तुन, क्या क्या डाल देना मग है, साग डाल दें, तेरे बुल्ली का शेगी बोलना, पापा चश्मा ले जाए, मैं ते पापा चश्मा ले रहे ना ते, हाँ और बुल्ली ते भी ले जाए चश्मा, बुल्ली ते भी ले जाए चश्मा, पापा टोपी ले जाए, पिछू ले जाए, गाड़ी ले जाए, साइकिल ले जाए। बोलना तू, बोलना और कुछ बोल, और कुछ ले जाए। कहना बोलते राम 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 राम, ठीक ठाक, मेरी चेला, मेरी चेला, हाँ। ये क्या गाना गाना? टाटा पानी। हेलो, ठीक है। हम आ गए घास लगे सड़क में और यहाँ से अभी ऊपर जाएंगे और दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तो अभी टाटा पाड़ी देखो कितना झुक चुका है टाटा पाड़ी। टाटा पाड़ी बहुत मेहनत कर रहा है। हजार सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का। वो तभी पूरे आएंगे जब आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा हमको। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए, बिल्कुल लाल बटन को फटाक से दबाइए और ग्रे कर दीजिए उसको। और अनमोल घर जाके क्या मैगी बनाएगा तू? हाँ मैगी बनाऊंगा। तो अनमोल अभी घर जाके मैगी बनाएगा अपने लिए, भूख लगी है। आज के लिए कुछ ना कुछ बनाता रहता है अपने लिए अलग अलग डिश, कभी मैगी बनाता है, क्या क्या बनाता है अनमोल थोड़ा पता? मैं थोड़ा मैगी बनाता हूँ, अभी प्याज और टमाटर काट के उसको भूनता हूँ, तब जाके रोटी में खाता हूँ। उसका नाम क्या है, डिश का नाम जो तू बनाता है? नहीं वो नहीं पता मेरे को। अब किसने किसने सिखाया तेरे को बनाना? मम्मी ने। वाह, थोड़ा बता कैसे कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हमको दो रोटी चाहिए होती है। अच्छा। और हमको प्याज और टमाटर को काट देना होता है और उसको तेल में भून देना होता है, और जैसे ही वो थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाए तो उसपे हल्का सा नमक डाल देना है, तब वो रेडी हो जाएगा। और सबसे पहले दो रोटियों में सॉस डाल देना है और तब उस पे टमाटर को ऊपर से डाल देना है। कैसे टेस्ट होता है उसका, खट्टा मीठा स्पाइसी?
उसका ठीक ठाक ही टेस्ट होता है। वाह बहुत खूब। उसका डिश का नाम मैंने रखा हुआ है पिज्जा। अनुभव अपने फ्रेंड को भी कुछ बोलो, तुम्हारे फ्रेंड भी देखते हैं मेरे ख्याल से। हाँ एक हाँ देखता है। बोलो अपने फ्रेंड को कैसे कैसे लग रहा है यहाँ पे। मेरे जो भी दोस्त देख रहे हैं तो उनको हेलो मेरी तरफ से। लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, मतलब ये वीडियो वायरल होगी। हाँ वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया। टाटा पार्ट इंतजार में है, कब उसकी वीडियो वायरल होगी। और कैमरे की भी दिक्कत होती है, ऐसा ना हो जाए कि कहीं हवा चल जाए और तब हमारा कैमरा टूट जाए। तो अभी हम आ चुके हैं घर। अभी हो रही है शाम के 5:30 और धूप भी चोटी के ऊपर जाने वाली है, यानी कि 6 बजे तक एंड हो जाएगी। गदना यानी कि गदेरे, 3 दिन हो गए और गदेरे जाने पर लगे हैं, क्योंकि वहाँ पे सब लोग आए रहते हैं, गाँव के सब लोग वहीं जाते हैं आजकल रोड़ी तोड़ने के लिए और काम के लिए। परसों में उसको लेने गया उधर और अभी वो आ गया भाग रहा है, जहाँ हम जाएंगे वही जाता है। यार गाड़ी भी जा रही है और दादी भी है यहाँ पे। वाह पहली बार दादी आ रही मेरी वीडियो पे। दादी कैसे गई तुम्हारे? वाह और हमारे हाई कमांड भी उधर बैठ रखे हैं। दादी कहाँ से गई तुम? अब कहाँ से गए? अच्छा दादी ये बोल रही है मैं अभी लकड़ी लेके आई और चाची वहाँ से घास लेके जा रही है। ठीक ठीक दिल्लो पोपू को नमस्ते करो फटक से। फोन नहीं चढ़ी श्याम को, श्याम का नाम बो फो नहीं चढ़ी। हाँ तिल्लो यानी कि तिल्लू बुआ को पोपू को नमस्ते करो शाबाश। और फोन आना चाहिए कल, कल सुबह या दिन में जब मैं वीडियो डालूंगा तो फोन आना चाहिए। और पक कौन फोन नंबर चीनी बस तेरी बहुत कंप्लेंट आ रही है, तू फोन नहीं करता कहीं है। और ये हमारी धार। और अभी गर्मियों के समय में यहाँ पे सभी लोग जो गांव के हैं, दादी लोग, चाची लोग, दादा लोग, वो सभी बैठे रहेंगे अभी इधर कुछ टाइम बाद में। अभी तो आजकल थोड़ा काम में बिजी हो रखे हैं। और गर्मियों में सर्दी से अच्छा गर्मियों में रहता है, सब लोग दिख जाते हैं बाहर इधर उधर काम करते समय, घूमते समय। सर्दियों में क्या होता है सब आग के धोरे यानी कि चूल्हे के इधर उधर बैठे रहते हैं, कोई बाहर ही नहीं निकलता है। क्या बोलते शीतल? ऐसे लेके जाऊंगा शीतल जहाँ पे अभी हम खड़े इस जगह नाम क्या है? ढेबरी। वाह और इस जगह नाम ढेबरी इसलिए है क्योंकि ये जो आपको बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा अभी तो इसमें से घास निकाल दिया है, तो इस पेड़ का नाम है ढेबरी और इसलिए इस जगह का नाम रख दिया है ढेबरी। और यहाँ पे ऊपर इस जगह पे छोटे छोटे खरगोश भी रहते हैं, खरगोश जंगली खरगोश होते ना वो भी रहते हैं। एक बार हम गाड़ी में जा रहे थे और रात के समय में वो गाड़ी के नीचे आ गया था लेकिन थोड़ा बच गया और उसके बाद वो ऊपर भाग गया था जंगल में। हाँ जंगली खरगोश भी जहाँ बोर्ड चो कम से कम 3-4 किलो का रहा होगा। और यहाँ नीचे देखिए, यहाँ नीचे बहुत ढंगार यानी कि भ्याल है, मतलब हमारे यहाँ गढ़वाली में भ्याल बोलते हैं नीचे। और यहाँ एक बार क्या हुआ था, इनको भी सुनाता हूँ मैं कहानी दमो। इधर एक बार क्या हुआ था, शायद से 2004-05 की बात है, जो सुनील के दादाजी है यानी कि हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री मदन सिंह रावत, तो उन्होंने यहाँ पे बैल ला रखे थे अपने, एक लाल बैल और एक वाइट कलर का था। और वो इस बौले पे यानी कि नहर पे उधर गए और वहाँ पे चट्टान थी और एक तो आ गया और जो लाल वाला आ गया और नीचे गिरा और उसका और वो पहाड़ी से नीचे गिरा और सीधा गदेरे जाके और उसका पेट फट गया सीधा। और फिर उनके पास एक ही बैल था, फिर दूसरा लाए उसके लिए। अगर उनको याद होगी तो मेरी वीडियो देखिए। यहाँ पे सड़क देखो कैसे गोल हो रखी, जैसे ग्राउंड होता है गोल वैसे लग रही है वहाँ से लेके और यहाँ तक। और ऊपर पहाड़ में आपको काला काला दिखाई दे रहा होगा और वो है शिलाजीत, लेकिन कोई निकाल नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत ही हाइट पे है और कोई जा भी नहीं पाता वहाँ पे वो सामने में। अरे तुम चा नौनी पौड़ी की सड़क पर जाना दौड़ी की। वाह क्या गारा लग गया। घस को जंगल डेले जोलो खाना को आलू थेचड़ी बना लो। वाह तो अभी हम गदेरे से आ गए हैं और टाइम हो रहा है रात के 7 बज रहे हैं और आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए टाटा।